आखिर क्यों भड़क गई हैं आयशा सिंह, आखिर क्यों आयशा सिंह को गुस्सा आ गया है और उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। देखिए आयशा सिंह वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा काम रहती हैं, बहुत ज़्यादा जब उनके इंटरव्यूज़ भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा हस्ती खेलती हुई रहती हैं। अगर वो रोती हैं या थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं तो वो अपने स्ट्रगल को लेकर हो जाती हैं, अपनी जो उन्होंने लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है उसको लेकर हो जाती हैं। लेकिन अब रिसेंटली आयशा सिंह बहुत ज़्यादा भड़क गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। देखिए एक सवाल पर या फिर एक कह लीजिए कि एक र्यूमर पर निकल पड़ा आयशा सिंह का गुस्सा। चलिए पूरा मामला क्या है पूरी वीडियो में, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए आयशा सिंह जब से गुम है, किसी के प्यार में से एग्जिट की है उन्होंने, तब से वो बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ वेकेशंस पे जाना। आयशा सिंह इन दिनों अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं, वो एकदम ब्रेक पर चल रही हैं और अभी फ़िलहाल उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। नागिन 7 को लेकर पहले चर्चा था कि आयशा सिंह इसमें नज़र आने वाली हैं, लेकिन उन र्यूमर्स को भी खुद आयशा सिंह ने ही खारिज कर दिया और कह दिया, बता दिया कि मैं नागिन 7 के मेकर्स ने अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी ऑफ़र नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि ब्रेक पर चलते हुए वो अपने क्लोज वंस, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ वो अम्यूज़मेंट पार्क भी गई थी, लेकिन एक उनकी फ्रेंड हैं ईशान राजपूत सिंह, जिनको आप जानते ही होंगे, आयशा के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं वो और बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं वो आयशा के। लेकिन आए दिन इनको लिंक कर दिया जाता है, इनका लिंकअप कर दिया जाता है ईशान के साथ। मतलब आए दिन उनके डेटिंग के र्यूमर्स उठ जाते हैं कि आयशा ईशान को डेट कर रही हैं, ईशान आयशा को डेट कर रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें मीडिया में जो है वो छपी जाती हैं, या फिर आप कह लीजिए कि आए दिन र्यूमर्स हो जाते हैं, इन अफवाहें उड़ जाती हैं। तो इन अफवाहों पर अब आयशा सिंह का रिएक्शन आया है। आयशा सिंह बहुत ही ज़्यादा भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि आप किसी दोस्त के साथ हैंगआउट भी कर लेते हैं तो आपको उनके साथ लिंक कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप फ्रेंड के साथ हैंगआउट करने जा रहे हो, ना कि बॉयफ्रेंड के साथ। या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंड के साथ जाओगे तो आपका रिलेशनशिप ही है डेफिनेटली। तो देखिए आयशा सिंह का गुस्सा निकल पड़ा इन सभी र्यूमर्स पर। आपको बता दूँ इसके अलावा आयशा सिंह की एक वीडियो बहुत तेज़ी से अब वायरल हो रही है, जब उन्होंने रिसेंटली गुम है किसी के प्यार में के सेट पे विजिट किया था। तो देखिए वो किशोरी जी से भी मिली थी और वो अपनी ऑन स्क्रीन सासू माँ से भी मिलकर आई थी। तो देखिए वो वाला वीडियो किशोरी मैम ने, किशोरी जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था और वो वीडियो, अब वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आयशा बहुत ज़्यादा मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं, वो डायरेक्टर साहब के साथ भी बैठी हुई नज़र आ रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हुई आ रही है नज़र गुम है किसी के प्यार में के सेट पर। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वो विजिट करके आई थी, यानी कि आयशा सिंह भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं गुम के सेट को और गुम के जो लोग उनके रह गए हैं क्लोज वंस, उनको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं आयशा सिंह। बहरहाल अब इन र्यूमर्स पर आयशा सिंह का गुस्सा निकल पड़ा है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।